वंशलोचन एक ऐसी औषधि है जो शरीर की प्रतिरक्षा में सुधार करती है। शारीरिक कमजोरी, नपुंसकता, मूत्र संक्रमण, छाती की बीमारियों, खांसी और श्वास रोगों के इलाज के लिए भी उपयोगी करने से यह बहुत तेजी से फायदा पहुँचाती है। व्यक्ति इसके नियमित इस्तेमाल से करीब एक दर्जन से अधिक बीमारियों से अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक ने वंशलोचन के प्रयोग और फायदे पर प्रकाश डाला है। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर सुनीता सोनल धामा निधि क्लिनिक खेकड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि वंशलोचन एक खास तरह की औषधि है और बाजार में आसानी से किसी भी आयुर्वेद की दुकान पर मिल जाती है। वंशलोचन एक सस्ती और आयुर्वेदिक औषधि है जो आपको एक दर्जन से अधिक बीमारियों से सुरक्षित रख सकती है। यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को तेजी से बढ़ाती है और शारीरिक कमजोरी को दूर करती है। मूत्र संबंधी सभी विकारों को तेजी से दूर करने का कार्य करती है। स्वास्थ्य संबंधी सभी बीमारियों को भी धीरे धीरे ठीक कर देती है। इसका इस्तेमाल आप दूध के साथ कर सकते हैं और यह शरीर को तेजी से फायदा पहुंचाती है। वंशलोचन का इस्तेमाल आप ड्राई फ्रूट के बनाए गए लड्डुओं में मिलाकर कर सकते हैं। वहीं रोजाना इसका इस्तेमाल आप दूध के साथ भी कर सकते हैं। इसका बारीक चूर्ण पीस कर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका नियमित उपयोग अच्छा फायदा देता है। ये आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर सुनीता सोनल धामा जी। बांस के गोंद के क्या क्या फायदे और किस प्रकार से उपयोग में लेकर सकते हैं? बांस का गोंद जो है उसको अगर आयुर्वेदिक भाषा में हम कहें तो वंशलोचन बोलते हैं। वंशलोचन खासतौर पर जो मूत्र संबंधी विकार हैं, मतलब कोई पेशाब में जलन होना या पथरी होना या कोई भी मूत्राशय का इन्फेक्शन होना, उसमें लाभदायक होता है। दूसरा, ये कोई भी कुष्ठ, कई तरह का जो कुष्ठ होता है यानी जो लेप्रोसी टाइप होता है, उसमें भी बहुत लाभप्रद होता है इसका इस्तेमाल, क्योंकि ये शीतवीर्य होता है इसलिए बवासीर में भी बहुत बार यूज़ किया जाता है। और जोड़ों का दर्द या सूजन किसी हिस्से पे है तो उसमें भी इसका बाह्य और आंतरिक रूप से दोनों तरह से प्रयोग किया जाता है। और हड्डियों को भी ये मजबूत करता है। तो जो बांस का गोंद भी इसको बोलते हैं वंशलोचन को, तो इसमें लड्डू वगैरह अगर हम कोई सर्दी में कंज्यूम करने के लिए बनाते हैं तो उसमें भी जो नॉर्मल गोंद हम यूज़ करते हैं उस गोंद की जगह इस गोंद को यूज़ करते हैं, तो हड्डियों के लिए भी वो बहुत ही मजबूती देता है। बी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा है, अच्छी मात्रा में इसमें पाया जाता है और मिनरल्स भी बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हड्डियों को बहुत ही मजबूती प्रदान करता है।